सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो हमारा मैक्सिमम वक्त कहाँ चला गया? सेक्शन 38, 31, 35, 32, 33, 34, 36, 45, कस्टोडियन, ये सब करेक्ट है। और हम लोग बिल ऑफ एंट्री पे आ चुके थे। ये चार्ट हमने बता दिया था आपको कि अराइवल मैनिफेस्ट फाइल होगा, उसके बाद बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा, या उससे पहले भी फाइल हो सकता, करेक्ट है। और उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करेगा और एग्जामिनेशन भी करेगा, फर्स्ट अप्रेसमेंट, सेकंड अप्रेसमेंट, आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर देगा, गेट पास इश्यू हो जाएगा और चला जाएगा। आई होप वी हैव डिस्कस दिस चार्ट। और अगर इसका सिक्वेंस एक बार मैं फिर से बताऊं, अराइवल मैनिफेस्ट वेसल वाला यानी पर्सन इन चार्ज ऑफ वेसल, वो तीन चीजें फाइल करता है, अराइवल मैनिफेस्ट, गुड्स से रिलेटेड पैसेंजर अराइवल मैनिफेस्ट, और एक चीज फाइल करता है, दैट इज एंट्री इनवर्ड्स की परमिशन, ताकि वो परमिशन दे सके टू अनलोड द कार्गो, एंट्री इनवर्ड्स, फिर बिल ऑफ एंट्री एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा उसी दिन ड्यूटी पेमेंट करनी पड़ती है, करेक्ट है। फिर वो आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर दे देगा, आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर कब देगा? असेसमेंट के बाद। फिर डिपार्चर परमिशन, जो शिप आया है वो चला जाएगा। इसके बाद हम लोग कंटेंट ऑफ बिल एंट्री कर चुके हैं। अब ये तो एक्सपोर्टर का है, हम लोग सीधे अब सेक्शन 46 हम लोग कर चुके थे। सेक्शन 46 का अब हम लोग कर रहे हैं आपके साथ ये रेगुलेशन, बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन रेगुलेशन 2011। अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली है, आइस गेट के थ्रू ही होगा। और बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के लिए आपके पास डिजिटल सिग्नेचर मस्ट है। अगर आप विदाउट डिजिटल सिग्नेचर अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको डिस्प्ले होते रहेंगे सारा कुछ, लेकिन आप कुछ फाइल नहीं कर पाएंगे। ना बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करेगा? या तो इंपोर्टर खुद फाइल कर दे, या उसने अगर कस्टम हाउस एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है जिसके पास वैलिड लाइसेंस है वो फाइल कर सकता है। तो कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, जिसको हम लोग कस्टम हाउसिंग एजेंट या कस्टम ब्रोकर बोलेंगे, वो फाइल कर सकता है। तो जिस तरह से एक जीएसटी प्रैक्टिशनर का कॉन्सेप्ट लेके आए जीएसटी में, उसी तरह से कस्टम्स में कस्टम ब्रोकर का कॉन्सेप्ट है। तो मैक्सिमम काम लोग आउटसोर्स ही कर देते हैं कस्टम हाउस ब्रोकर को, और ये काफी अच्छा काम है अगर ये आपको आता है तो। बिल ऑफ एंट्री का मतलब लिखा हुआ है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको बताई चुका, बिल ऑफ लेडिंग है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन है, पैकिंग लिस्ट है, कमर्शियल इनवॉइस है, ये सब है, ये सब अपलोड करना पड़ता है। प्लस पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसी, मान लीजिए BIS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो BIS के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने चाहिए, तो उसका BIS का सर्टिफिकेट देना होगा। क्वांटाइन एनिमल इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्वांटाइन सर्टिफिकेट ये सब देना होगा। ये हम लोग आगे करेंगे आपके साथ। ये सर्टिफिकेट PGA पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसी, तो ये काफी सारी पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसी है, अराउंड 30-40 होंगी। और पहले क्या होता था कि पहले इंपोर्टर क्या करता था, इनके पास जाता था PGA के पास, PGA इनको सर्टिफिकेट देता था, वो प्रिंटेड सर्टिफिकेट अपलोड करता था, यानी कि ईमेल में दे दिया तो अपलोड करता था, इंपोर्टर अपलोड करता था। अब नाउ दे हैव चेंज्ड इट, अब कह रहा है PGA ही अपलोड करेगा, इंपोर्टर का ईमेल के साथ अटैच कर देगा, और कहां अपलोड करेगा? आइस गेट में ही अपलोड करेगा। तो पहले ये दिक्कत होती थी कि ये सर्टिफिकेट फ्रॉड है नहीं है, इसका पता ही नहीं लगता था। अब PGA डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहा है आइस गेट में, इंपोर्टर बेनिफिशियरी बन जा रहा है, करेक्ट है। टूल थ्री, और फिर ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। आपने जीएसटी में देखा होगा बहुत सारे फैसिलिटेशन सेंटर वर्ड लिखा हुआ है पूरे लॉ में जगह जगह। अगर आप gst.gov.in में पोर्टल में फाइल नहीं करते हैं तो फैसिलिटेशन सेंटर है उनको दीजिए अपना फॉर्म, वो डेटा वो फीड कर देंगे। उसी तरह से बिल ऑफ एंट्री आइस गेट में आप फाइल नहीं करते हैं तो सर्विस सेंटर बनाए हुए उन्होंने, हर एक कस्टम्स डिपार्टमेंट के आगे हो, कस्टम्स पोर्ट ये सबके पास होगा, इस सर्विस सेंटर में जाइए, वो बिल ऑफ एंट्री आपके भी आप पे फाइल कर देंगे। हो सकता है कुछ चार्जेस ले रहे हो, आई डोंट नो, करेक्ट है। अपर्णा आप पता कीजिएगा इसके बारे में।
ये सर्विस सेंटर किस तरह से काम करता है। फिर रूल फोर, नाउ बिल ऑफ एंट्री वो कब फाइल कर सकता है? एक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ द एयरक्राफ्ट और वेसल और व्हीकल बाय विच द गुड्स हैव बीन शिप्ड फॉर इंपोर्टेशन इनटू इंडिया, और ये कितना टाइम पीरियड है? नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। तो बिल ऑफ एंट्री ये अराइवल ऑफ वेसल, मुझे एक बात बताइए आप, अराइवल ऑफ द वेसल को वो चेक कर सकता है आइस गेट पे कि कब वो आ रहा है? और उसमें लिखा भी होता है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड अराइवल डेट। मान लीजिए एक्सपेक्टेड अराइवल डेट इज 11th जुलाई, तो 11th जुलाई से 30 डेज पहले काउंट कर लीजिए, इतने दिन वो पहले फाइल कर सकता है। उससे पहले 30 दिन से भी ज्यादा एडवांस नहीं फाइल कर सकता, ओनली 30 डेज एडवांस बिल ऑफ एंट्री कैन बी फाइल। और अराइवल होने के बाद तो वो कभी भी फाइल कर सकता है, लेकिन कितने दिन के अंदर उसको फाइल हर हालत में कर लेना चाहिए? विद इन 30 डेज, नहीं तो क्या होगा, उसके गुड्स को वो बेच देगा। सही बात? हाँ या ना? और ये बेच देगा, ये अलग सेक्शन है, मैं आपको दिखला देता हूं अभी, 48, जिस दिन वेसल अराइव हुआ है, ऑन विच द एयरक्राफ्ट और वेसल और व्हीकल कैरिंग द गुड्स अराइव्स एट कस्टम स्टेशन, उसी दिन फाइल कर दे या उसके अगले दिन तक फाइल कर दे। द ऑथराइज्ड पर्सन शैल फाइल द बिल ऑफ एंट्री बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे फॉलोइंग द डे ऑन विच द एयरक्राफ्ट और वेसल और व्हीकल कैरिंग द गुड्स अराइव्स एट कस्टम स्टेशन। तो अगर 11 तारीख को आया है तो आपको 12 तारीख को हर हालत में बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा, करेक्ट? लेकिन 12 तारीख अगर छुट्टी है तो आप 13 तारीख को फाइल कर दे, 13 तारीख को छुट्टी है तो 14 तारीख को फाइल कर दे, एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज। सही बात? अगर नहीं फाइल करेंगे आप इस ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। अब वो लेट फीस क्या है? बोला इफ यू आर इंपोर्टिंग ड्यूटेबल गुड्स तो जो लेट फीस है वो 5000 पर डे है अप टू 3 डेज, और बियॉन्ड 3 डेज लेट हो गया तो लेट फीस है 10,000 पर डे फर्दर डिले, करेक्ट है? और ये मैक्सिमम जो फाइन लगेगी दैट इज द ड्यूटी पेबल। मान लीजिए 10,000 इज द ड्यूटी पेबल और आपका इसके अकॉर्डिंग जो लेट फीस बनती है वो 40,000 बनती है, तो जो मैक्सिमम फाइन है वो 10,000 ही रहे, करेक्ट है? लेकिन अगर आप ऐसे ड्यूटी, अगर आप ऐसा गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं जो एग्जेम्प्टेड है, तब लेट फीस तो वही है 5,000 पर डे एंड 10,000 पर डे, लेकिन जो मैक्सिमम फाइन है वो 50,000 है। मैक्सिमम फाइन क्या है? 50,000। सही बात? तो ये ऑब्वियसली आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, हमने इसका एमसीक्यू तो जरूर बनाया हुआ है, और ये 3 और 4 में जो लिखा हुआ उसी का हमने चार्ट यहां बना दिया। इसके बाद रूल 5 में है कि ये जो भी आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है उसका प्रॉपर ऑफिसर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा और आपको क्लियरेंस ऑर्डर दे देगा। ये रूल 5 इज रिलेटेड टू सेक्शन 47। बाकी जितने रूल्स, बाकी जितने रेगुलेशंस थे दैट वाज रिलेटेड टू सेक्शन 46। नाउ दिस बिल ऑफ एंट्री दैट हैज टू बी रिटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, यानी कि पोस्ट कस्टम ऑडिट आपका 5 साल से पुराना नहीं हो सकता। सही बात? ये सर्कुलर है जहां पर हमने पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में आपको बताया कि डॉक्यूमेंट ये क्या इशू करते हैं, देखिए क्या क्या इशू करते हैं, ये लाइसेंस परमिट्स सर्टिफिकेट्स एंड अदर ऑथराइजेशंस, LPCU जिसको बोलते हैं, बाय पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसी ऑन ई सब्जेक्ट। तो पहले क्या था,
बाद में क्या होने लगा ये आप सर्कुलर पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। पढ़ लेंगे आप, ये देखिए कम्युनिकेशन एंड व्यूइंग, अगर डिजिटल सिग्नेचर यूज नहीं करते हैं तो कम्युनिकेशन एंड व्यूइंग, और द बेनिफिशियरीज दैट इज इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स कस्टम ब्रोकर वुड नॉट बी अलाउड टू अपलोड द प्रीवियसली इशूड एलपीसी ऑन ई संचित 31 जनवरी 2020 से इफेक्टिव। अब कौन अपलोड करेगा, ओनली पीजीए मे, ओनली पीजीए विल अपलोड इट, करेक्ट है। चलिए अब सेक्शन 47 करें आपके साथ, क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, हम लोग वैसे कर चुके हैं ये, लेकिन एक बार ये बेसिकली प्रॉपर ऑफिसर वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट एंड एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स के बाद एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी के बाद ही आपके गुड्स को क्लियर करेगा। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन 47 उसी के बारे में है कि बिल ऑफ एंट्री आ गया, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, गुड्स एग्जामिन हो गए, ड्यूटी पेमेंट हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, आपने बिल ऑफ एंट्री में वैल्यूएशन करके आपकी ड्यूटी निकलती थी 10,000, जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है उसी दिन आपको ड्यूटी पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा, और आपने 10,000 पे भी कर दिया। अब इसके बाद प्रॉपर ऑफिसर, ये सेल्फ असेसमेंट है, प्रॉपर ऑफिसर जब असेसमेंट करेगा तो इसको हम लोग रीअसेसमेंट बोलेंगे, जब प्रॉपर ऑफिसर रीअसेसमेंट करता है आपका सेल्फ असेसमेंट का और वो ड्यूटी निकालता है 12,000, तो डिफरेंशियल ड्यूटी आप कितना पे करेंगे, आप 2,000 पे करेंगे, करेक्ट है। यही सारी बातें लिखी हुई है, टाइम पीरियड ये सब लिखा हुआ, मैं आप पढ़ देता हूं। Where the proper officer is satisfied that any goods entered for home consumption are not prohibited goods. कैसे पता लगेगा goods prohibited है या नहीं है? Foreign trade policy से, DGFT के website से, and the importer has paid the import duty, if any, assess thereon, and any charges payable under this act in respect of the same. यानी कि बिल ऑफ एंट्री लेट फाइल किया तो लेट फीस दे दिया या नहीं दे दिया। द प्रॉपर ऑफिसर मेक एनी ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस ऑफ द गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, यानी कि आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर और क्लियरेंस ऑर्डर, ये सब अब डिजिटल सिग्नेचर से होता है, कोई प्रिंट आउट ये सब का नहीं है, सारा कुछ ईमेल में आएगा आपके, सही बात। प्रोवाइडेड दैट एनी सच ऑर्डर में ऑल्सो बी मेड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क on the basis of risk evaluation through appropriate selection criteria. तो आपका examination of goods होगा, मैंने आपको बताया था risk management division है customs का, मंजू सिंह prohibited goods importation by government is allowed, restricted goods are allowed, restricted goods are allowed through license, prohibited goods are not allowed. Now, गवर्नमेंट डेफर्ड ड्यूटी का भी सिस्टम लेके आ सकती है, जैसे जीएसटी में है, आप हर मंथ आप इनवॉइस काटते जाइए, गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते जाइए, मंथ एंड के बाद 20 तारीख को हम आपसे जीएसटी लेते हैं, लेकिन कस्टम में ऐसा इन्होंने अब इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, किसके लिए, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर के लिए। ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर के अलावा जितने भी लोग हैं, दे विल पे ड्यूटी ऑन द सेम डे ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, अदरवाइज इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड, करेक्ट। अब उनका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी क्या है, जिस दिन वो बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करेंगे उसी दिन आपको ड्यूटी पे करनी है। द इंपोर्टर शैल पे द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, करेक्ट। फिर लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर
आपका असेसमेंट, री असेसमेंट या प्रोविजनल असेसमेंट करता है और आपको बताता है कितनी ड्यूटी देनी है आपको, तो वो आपको विद इन वन डे फ्रॉम द डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री इज रिटर्न टू हिम, यानी कि अगर 11 जुलाई को बिल ऑफ एंट्री आपके पास आ गया है तो 12 जुलाई तक आपको ड्यूटी पेमेंट करनी है। 12 जुलाई को छुट्टी है तो उसके अगले दिन छुट्टी है तो उसके अगले दिन, सही बात। फिर इन केस ऑफ डिफर्ड पेमेंट, तो उन्होंने डिफर्ड पेमेंट के ये रूल्स निकाले हुए, वो अभी हम लोग कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये लिखता है कि इफ ही फेल्स टू पे द ड्यूटी विद इन द टाइम सो स्पेसिफाइड तो 15% पर एनम का इंटरेस्ट है जितने दिन का डिले। मान लीजिए टोटल 10,000 था और एक दिन का डिले हो गया तो 15% पर एनम है, तो 15% ऑफ 10,000 डिवाइडेड बाय 365 तो एक दिन आ गया, एक दिन का इंटरेस्ट आ जाएगा और जितने दिन डिले हो गए उतने दिन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सही बात। इसके बाद है कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी वेव्ड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये लिखा हुआ वेविंग ऑफ, तो वेविंग ऑफ का तो अभी तक हो सकता कोरोना के चक्कर में वेविंग ऑफ उन्होंने लेके आए हो। अभी डिफर्ड पेमेंट मैं बता देता हूं किसके लिए लेके आए डिफर्ड पेमेंट, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर के लिए। अगर आपको ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर बनना है तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम को, यानी कि अप्लाई करना पड़ेगा। इनके अलग से रेगुलेशंस होंगे जहां पर फॉर्म स्पेसिफाइड होगा कैसे अप्लाई करना है, वो हम लोग कर नहीं रहे, तो यू अप्लाई एंड यू विल गेट दिस, ये नोटिफिकेशन हमने लिखा हुआ है वहां पर आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर के प्रोग्राम में आ जाते हैं तो आपको ड्यूटी पेमेंट करने की ये डिफर्ड पेमेंट की आ जाती है, और इसमें जो रूल्स है ना अमेंड हुए थे 2017 में, 2016 में ऑरिजिनली आया था फिर 2017 में अमेंड हुए थे, तो जब 2016 देखेंगे तो उसमें डेट्स कुछ अलग दी होंगी, लेकिन जब 2017 देखेंगे तब आपको ये डेट मिलेगी, करेक्ट है। अब ये कहता है कि आप बिल ऑफ एंट्री 1 से लेकर 15 तक आपने जितने भी फाइल किए हैं उसका ड्यूटी पेमेंट आप 16th ऑफ दैट मंथ कर दीजिए, करेक्ट है। और अगर 16 से लेकर मंथ एंड तक किया है मार्च महीने को छोड़ के तो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो अगर 18 मई को अगर आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है तो उसकी, और आप यू आर एलिजिबल इन ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, जल्दी बताइए। फर्स्ट जून, और अगर 14th जुलाई है तो, 14th जुलाई है तो 16th जुलाई, लेकिन मार्च का उन्होंने कहा 16th टू 31st मार्च है तो 31st मार्च, तो गवर्नमेंट को 31st मार्च तक लेखा जोखा देना पड़ता है, उनके अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। अब बताइए अगर 15 मार्च है तो 16 मार्च ही रहेगा, मैनर ऑफ पेमेंट ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिकली होगा, मैनुअली नहीं होगा, और जो द इंपोर्ट द एलिजिबल इंपोर्टर शैल पे द ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली, और अगर असिस्टेंट कमिश्नर डिप्यूटी कमिश्नर चाहे तो एनी मोड अदर देन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकता है। और इन्होंने ये एक नोटिफिकेशन निकाला यहाँ पर ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर वाले जिनको ड्यूटी कम से कम 10,000 देनी है उनको इलेक्ट्रॉनिकली ही पेमेंट कर रही है, लेकिन आज के डेट में इसका कोई महत्व नहीं रखता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी है प्रैक्टिकली जो मैनुअली पेमेंट करता। आपको कोई आइडिया है तो बता दीजिएगा, अपर्णा अगेन आई गेट बैक टू यू, आप पूछिएगा ऐसा कुछ है कि किस केस में लोग मैनुअल पेमेंट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी होगा, लिख लीजिएगा आपको जो सवाल कर रहे हैं। नाउ अगर ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर लगातार 3 महीने तक ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं करता, वो भी फुल ड्यूटी, मान लीजिए 10 बिल ऑफ एंट्री थे उसने 9 के तो पेमेंट किए फुल, 1 का नहीं किया,
तो ये फेलियर माना जाएगा। फिर उसको डिफर्ड पेमेंट से बाहर कर देंगे वो, और जब वो पूरा पेमेंट कर देगा देन अगेन ही कैन बी एन डिफर्ड पेमेंट विथ इंटरेस्ट। सही बात। अब ये सर्कुलर आया 13 अप्रैल 2020 को, उन्होंने ये कह दिया कि भैया जितने भी आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर ये सब हैं, फाइनल ई आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर, कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली होगा, डिजिटली साइंड होगा, और ई गेट पास जो होता है वो भी अब इलेक्ट्रॉनिकली होगा। ई गेट पास दो लोग चेक करते हैं, एक कस्टम वाले भी चेक करते हैं और एक कस्टोडियन भी चेक करता है, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिकली होगा, क्यूआर कोड ये सब के थ्रू होगा ये सारा। तो इनके पास कुछ मशीन होगी जो क्यूआर कोड से स्कैन हो जाएगा। तो ये सर्कुलर आप पढ़ लेंगे। अब एक बार रिवीजन करने के लिए बता दीजिए कैसे कैसे होगा। वैसे यहां है यूएसए में, क्या फाइल करेगा, इंडिया आना चाह रहा है यार, यहां डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल करेगा, यहीं अराइवल मैनिफेस्ट फाइल कर देगा, पैसेंजर मैनिफेस्ट फाइल कर देगा और एंट्री इनवर्ड्स का एप्लीकेशन दे देगा, करेक्ट है। अब बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। अब मान लीजिए वेसल यहां आया, एक्चुअली में वेसल यहां आया, अब बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, वो कब फाइल करेगा बिल ऑफ एंट्री, यहां से 30 दिन के अंदर अंदर और यहां से 30 दिन के अंदर अंदर। सही बात। और जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा उसी दिन ड्यूटी पे करेगा, सेम डे। और अगर ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम में है तो उसका ड्यू डेट दो है, 16 तारीख और 1 तारीख, और 31 मार्च, बेसिकली 3 ड्यू डेट है। सही बात। और अगर प्रॉपर ऑफिसर ने असेसमेंट कर दिया तो ड्यू डेट 1 दिन बाद आएगा, यानी कि अगले दिन आएगा। फिर प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई करेगा डॉक्यूमेंट्स को और एग्जामिन करेगा और आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर इशू कर देगा अंडर सेक्शन 47, ये सेक्शन 46 में जाएगा, और एक ई गेट पास भी इशू कर देगा। अब वो कस्टम एरिया से बाहर ले आ सकता है उसको। सही बात है, हाँ या ना। थैंक यू राजू। अब इसी को हमें याद भी करना है तभी तो एग्जाम में लिख पाएंगे, और याद इसलिए भी करना है क्योंकि बाद में तो भूल ही जाना है, लॉ ऐसा है, जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनको तो याद करना ही पड़ेगा, और जो एग्जाम दे रहे हैं मैं उनको बता दूं, अगर आज याद कर लेंगे तो जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे या जॉब में जाएंगे तो ये सारे रूल्स जो भी लॉ पढ़ा है आपको याद आ जाएगा, नहीं तो आज पढ़ा कल सफा वैसा होगा। फिर ये ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर के स्कीम के बारे में ये सारा लिखा हुआ है, ये आपको खुद पढ़ना है कि वो कैसे काम कर रहा है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बेसिकली कंप्लायंस रेटिंग देते हैं और उनको वो एडमिट कर लेते हैं, और इनका गुड्स जल्दी क्लियर होता है क्योंकि इनकी एग्जामिनेशन नहीं होती है, ड्यूटी पेमेंट डिफर्ड हो जाती है, तो बहुत सारे एडवांटेज है। बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर, तो फर्स्ट इज देयर इज नो एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट, एंड देयर यू गेट ए डिफर्ड ड्यूटी पेमेंट, आप ड्यूटी डिफर कर सकते हैं, करेक्ट है। ये देखिए, द रिस्क मैनेजमेंट डिवीजन मेंटेन्स ए लिस्ट ऑफ एयू इन द आरएमएस एंड मॉनिटरिंग द लेवल्स ऑफ कंप्लायंस इन कोऑर्डिनेशन विद डीआरआई कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। Where compliance level falls, the importer is at first informed for self-improvement
इन केस ऑफ परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस द इंपोर्टर मे बी डी रजिस्टर्ड अंडर द एईओ। तो ये पढ़ लीजिएगा 48 हमने डिस्कस कर ही चुके हैं कि 30 डेज के अंदर अंदर आप गुड्स को क्लियर करवाइए, या फिर नहीं क्लियर करवा पाते हैं तो गुड्स को रिलिंक्विश कर दीजिए। रिलिंक्विश मतलब उस बिल ऑफ लेडिंग कस्टम डिपार्टमेंट के नाम पे कर दीजिए, तो दैट इज रिलिंक्विशमेंट। रिलिंक्विशमेंट या 30 डेज के अंदर आप गुड्स नहीं छुड़वा पाते हैं अगर, और या फिर रिलिंक्विश कर देते हैं तो आफ्टर नोटिस टू द इम्पोर्टर एंड विद द परमिशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर बी सोल्ड बाय द पर्सन हैविंग द कस्टडी thereof। कस्टोडियन बेच देगा इसको, सही बात। लेकिन गुड्स पेरिशेबल इन नेचर है, एनिमल्स है, हैजर्डस है, तो वो 30 डेज का वेट नहीं करेगा, पहले भी कर सकता है। बी सोल्ड एट एनी टाइम, सही बात। अब एक बात बताइए आप, अब इंपोर्टर को भी पता है कि 30 डेज के अंदर गुड्स नहीं छुड़वाया तो मेरा गुड्स गया हाथ से, करेक्ट। लेकिन वो गुड्स छुड़वाना चाहता है, ही डज नॉट वांट टू फाइल बिल ऑफ एंट्री बिकॉज ही डज नॉट हैव मनी, और फिर मार्केट की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो गुड्स छुड़वा ले। तो वो क्या करता है, वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम या डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम को कहता है कि सर ये गुड्स को वेयर हाउस में डाल दो, यानी कि अपना गोडाउन में डाल दो 30 डेज के लिए, और उसके बाद मैं गुड्स छुड़वा लूंगा। तो ऑब्वियसली रीजनिंग ऐसे पूछेगा और वो गुड्स को वेयर हाउस विदाउट वेयर हाउसिंग कर देगा। नाउ व्हाट इज दिस वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग? वेयर हाउस करने के लिए आपको ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड साइन करनी पड़ती है और वेरियस प्रोसीजर कंप्लायंस करना पड़ता है, एंड वन ऑफ द कंडीशन कंप्लायंस इज दैट यू हैव टू फाइल बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम फॉर वेयर हाउस। तो आप बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस भी फाइल नहीं कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एप्लीकेशन यू आर वेयर हाउसिंग द गुड्स एंड दैट इज कॉल्ड वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउस। तो काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं एक बार लिख देता हूँ, वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउस। वेयर हाउसिंग के लिए क्या क्या कंप्लायंस करने पड़ते हैं? एक तो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस फाइल करना पड़ता है, दूसरा ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड साइन करना पड़ता है ड्यूटी अमाउंट का। आप ये दोनों नहीं करते हैं, यू आर जस्ट फाइलिंग एन एप्लीकेशन, क्योंकि आप 30 डेज के अंदर गुड्स को छुड़वा नहीं पा रहे। पढ़ देता हूं एक बार, वेयर इन द केस ऑफ एनी इंपोर्टेड गुड्स वेदर ड्यूटीबल और नॉट एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन। नाउ व्हेन दे आर सेइंग एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन, इट मींस दैट एज पर अराइवल मैनिफेस्ट इट इज फॉर होम कंजम्पशन। The Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs is satisfied on the application of the importer that the goods cannot be cleared within a reasonable time before filing of bill of entry and within 30 days. क्योंकि 30 days के अंदर अगर आपने apply नहीं किया तो बेच देंगे, इसीलिए यहाँ पर हमने within 30 days के लिए किया, सही बात। Now in the case of any imported goods entered for warehousing, ये as per arrival manifest नहीं होना चाहिए, कुछ और काम नहीं होगी। Now, when this, ये किस क्यों लिखा है, I fail to understand. Entered for warehousing. चलिए आगे रिसर्च कर लीजिए, मैं बता दूंगा। The Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs is satisfied on the application of the importer that the goods cannot be removed for deposit in a warehouse within a reasonable time. या तो ये हो सकता है कि इसने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया, ड्यूटी पेमेंट नहीं कर रहा, या फिर ड्यूटी भी पे कर दिया, आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर भी मिल गया इसको, लेकिन वो गेट पास जो उसको मिला है उस गेट पास के से वो गुड्स को बाहर ले जा सकता है, लेकिन वो गेट पास से गुड्स को बाहर नहीं ले जा रहा है, बोला सर इसको अभी वेयर हाउस कर दो, एप्लीकेशन डाल रहा है।
दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, क्या कहते हैं आप लोग? दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी. द गुड्स में पेंडिंग क्लियरेंस और रिमूवल एज द केस में बी परमिटेड टू बी स्टोर्ड इन ए पब्लिक वेयर हाउस फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज. Provided that the provisions of Chapter 9, yani warehouse, shall not apply to goods permitted to be stored in public warehouse under this section. यानी कि जो warehousing के जो provisions हैं, ये इस पे apply नहीं होंगे. इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं warehousing without warehousing the goods without warehousing. मुझे पता है बहुत बोर वाला है, लेकिन क्या करें. Provided further that principal commissioner of customs or commissioner of customs may extend the period of storage for a further period not exceeding 30 days at a time. So 30 plus 30, 60 days ho gaya. So we have completed the import of goods totally. I hope samajh mein aa gaya hoga aap log ko. So basically humne ye complete kar liya, ye wala chart. और ये वाला चार्ट कंप्लीट कर दिया. सो थैंक यू. अब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं. एक्सपोर्ट कैसे होगा? तो एक्सपोर्ट में सेक्शन 50, 51, और एक्सपोर्ट में ये वाला तो रहेगा ही रहेगा कि गुड्स यहाँ पर अनलोडिंग के बारे में लिखा हुआ है, लोडेड अप्रूव्ड प्लेस, ये सब अंडर सुपरविजन ऑफ कस्टम्स, वाटर बोट नोट, ये सब एक्सपोर्ट में भी चलेगा, करेक्ट है? अब एक्सपोर्ट का हमने क्या बनाया हुआ है, कुछ बनाया हुआ है हम दिखाते हैं. ये देखिए एक्सपोर्टर क्या करता है, शिपिंग बिल फाइल करता है जब भी उसको एक्सपोर्ट करना होता है. शिपिंग बिल वो कब फाइल करेगा, जब उसके गुड्स रेडी हैं. इसके पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर है तभी तो फाइल करेगा शिपिंग बिल. एक्सपोर्ट ऑर्डर है, गुड्स रेडी कर लिया, मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा या मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी है, उसके बाद ही वो शिपिंग बिल फाइल करेगा. वो शिपिंग बिल कहां फाइल करेगा? आइस गेट. जैसे ही आइस गेट में फाइल करेगा, इसको एक शिपिंग बिल नंबर जनरेट हो जाता है. बेसिकली ये क्यू है, क्यू में लग जाता है. क्यों इसलिए लग जाता है? क्योंकि मान लीजिए ये 1000 पीसेस ऑफ टीवी है जो एक्सपोर्ट करना है. इसे ये 1000 पीस ऑफ टीवी एक्सपोर्ट करना है, इसको पैक करके रखेगा प्राइमरी पैकिंग. प्राइमरी पैकिंग क्या होता है? जो कंज्यूमर को जिस पैकिंग में आप देते हैं, दैट इज प्राइमरी पैकिंग. लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग को फिर सेकेंडरी पैकिंग, फिर टर्शियरी पैकिंग करना पड़ता, तभी तो होगा. जो क्यू नंबर, अब शिपिंग बिल नंबर मिल गया, इसको क्या करता है, जिस दिन मान लीजिए उसको पता लगता है इसमें जो क्यू में 12 जुलाई को कस्टम्स एरिया में गुड्स को भेजना है, शिपिंग बिल फाइल किया 10 जुलाई को, क्यू नंबर के अकॉर्डिंग 12 जुलाई को कस्टम्स एरिया में ये गुड्स भेजना है, सही बात? तो वो क्यू शिपिंग बिल नंबर के अकॉर्डिंग वो कस्टम्स एरिया में 12 जुलाई को गुड्स को भेज देगा. कस्टम्स एरिया में गुड्स आ गया. अब कस्टम्स एरिया में जब गुड्स आया तो ये प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा गुड्स को कि आपने जो शिपिंग बिल में जो गुड्स की डिटेल डाली है और जो एक्चुअल में गुड्स है वो सही है या नहीं है. और वो पूरा कंटेनर अगर आपने बुक नहीं किया है तो स्टफिंग करवाएगा, सही बात? फिर जो ऑफिसर है नहीं, जितने भी तरह के पैकिंग चार्जेस है वो तो इंपोर्टर से ले ही लेगा. वो मान लीजिए यूएसए भेज रहा है तो उससे वो सारा कुछ लेगा, उससे तो पैसा ले ही लेगा, FOB वैल्यू या CIF वैल्यू जो भी है, करेक्ट? ये जब प्रॉपर ऑफिसर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो गया,
वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट तो शिपिंग बिल फाइल करते हुए ही हो गया होगा, हाँ या ना? इसके बाद एग्जामिनेशन के बाद वो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर इश्यू कर देता है। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर क्या है कि अब ये गुड्स एक्सपोर्ट हो सकता है, दैट इज लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, करेक्ट है? अब आगे देखिए, और फिर गेट पास, जहां पर लोडिंग जहां होगी उसके लिए गेट पास इश्यू कर दिया। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था सेल्फ सीलिंग का। सेल्फ सीलिंग माने मैंने पूरा कंटेनर ही बुक बुक किया हुआ है, और मेरे 10-15 कंटेनर है जिसको मुझे एक्सपोर्ट करना है। अब मैं सारा सामान ट्रक से यहां भेजूंगा, और फिर ट्रक में स्टफिंग होगा, टाइम लगेगा। तो मैं सेल्फ सीलिंग के लिए एडवांस में अप्लाई करता हूँ 15 डेज इन एडवांस कि मुझे सेल्फ सीलिंग का फैसिलिटी दे दो आप। यहां जो स्टफिंग हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर ऑफिसर हो रही है। सेल्फ सीलिंग में क्या होगा, वो शिपिंग बिल फाइल करेगा, और शिपिंग बिल फाइल करने के बाद वो सेल्फ सीलिंग करेगा। वो प्रॉपर ऑफिसर को जो परमिशन लेनी है वो तो पहले भी ले सकता है। जब उसको परमिशन मिल गई सेल्फ सीलिंग की, तो वो शिपिंग बिल फाइल करेगा, शिपिंग बिल नंबर आ जाएगा उसके पास। उसके बाद जब शिपिंग बिल नंबर आ गया उसके पास आइस गेट में, तो मैं आप क्या करूं नंबर आने के बाद, यानी कि यहां कर देता हूं यार, सही बात है? तो सेल्फ सीलिंग में ये शिपिंग बिल का नंबर बहुत जरूरी है। तो शिपिंग बिल का नंबर आ गया, अब जो सेल्फ सीलिंग करेगा, तो इस सेल्फ सीलिंग में, इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ सीलिंग में, आप कंप्यूटर के थ्रू इसमें अपना आईईसी नंबर, जीएसटी नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, टैक्स इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी एंड शिपिंग बिल नंबर इन द इलेक्ट्रॉनिक सील आप फीड करेंगे। जब ये फीड कर देंगे फिर आप ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, कस्टम्स एरिया में पहुंच गया, आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा, स्टफिंग का रिक्वायरमेंट होगा नहीं, और गेट पास मिल जाएगा, सही बात? इसके बाद प्रॉपर ऑफिसर एंट्री आउटवर्ड्स ग्रांट करता है, इट मींस दैट द गुड्स कैन बी लोडेड टू द शिप, इन द शिप। जब शिप में लोड होगा तो बिल ऑफ लेडिंग इश्यू करेगा। ये बिल ऑफ लेडिंग एक्सपोर्टर को दे देगा, और एक्सपोर्टर इंपोर्टर को मेल कर देगा। शिप यहां से बिल ऑफ लेडिंग सारा इशू करने के बाद डिपार्चर मैनिफेस्ट इशू कर देगा प्रॉपर ऑफिसर को, और डिपार्चर मैनिफेस्ट के बाद इसको डिपार्चर परमिशन दे देगा, सही बात? हाँ या ना? चलिए, तो अब ये जो हमने एक्स्ट्रा आपको बताया है, ये क्यू नंबर, फिर ये कस्टम एरिया में जाके स्टफिंग होगी, सेल्फ सीलिंग, ये आप देखेंगे तो आपके स्टडी मटेरियल ये सब में नहीं है। स्टडी मटेरियल ये सब में खाली रटना है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस आपको समझना बहुत जरूरी है ताकि आप एक्सपोर्ट कर सके। मोस्ट ऑफ द केसेस बिल ऑफ लेडिंग एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आर राउटेड थ्रू बैंक। यस यस दिनेश, तो वो एक अलग ही एरिया हो गया। तो जो जिनेश जी ये कह रहे हैं कि मैं बिल ऑफ लेडिंग इसको डायरेक्ट दे दूंगा, तो ये जरूरी नहीं है, मैं बैंक के थ्रू भी राउट करूंगा, क्योंकि मुझे अगर पैसा नहीं मिला है तो ऑब्वियसली मैं बिल ऑफ लेडिंग इसको नहीं भेजूंगा। ये हमने एकदम शुरुआत वाली क्लास में डिस्कस भी किया था कि पेमेंट टर्म्स कैसे होंगे। अगर एडवांस पेमेंट आ गया तो बिल ऑफ लेडिंग भेज देगा, एडवांस पेमेंट नहीं आया और बैंक के थ्रू राउट हो रहा है तो ये बिल ऑफ लेडिंग बैंक को देगा, बैंक उसको देगा, फिर पैसा आ जाएगा तभी बिल ऑफ लेडिंग रिलीज करेगा, सही बात? अब पूरा थ्योरी अब पढ़ लेते हैं आपके साथ।
ऑल एक्सपोर्ट। अच्छा ये याद, अच्छा याद दिला दिया। अब दूसरा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो आपका शिपिंग बिल है, अच्छा कब, एक बात बताइए, क्या लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, ये जो एलईओ है, ये एलईओ बेसिकली शिपिंग बिल का ही है, शिपिंग बिल की कॉपी है, क्या इट इज अप्रूव दैट द गुड्स आर एक्सपोर्टेड? क्योंकि जीएसटी में रिफंड तभी मिलता है व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड। इज इट प्रूव दैट द गुड्स आर एक्सपोर्टेड? नहीं, शिपिंग बिल तो आपने फाइल कर दिया। अरे शिपिंग बिल में याद रखिएगा, आपको ड्यूटी ड्रॉबैक तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन बाकी स्कीम, जो नया स्कीम आया एमईआईएस की जगह, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है डीजीएफटी में। तो वो प्रूफ तो शिपिंग बिल में आपको लिखना पड़ता है कि आई एम एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, दिस स्कीम, दिस स्कीम्स, तभी देते हैं, वरना नहीं देते हैं। सही बात। तो इट इज अ प्रूफ एली लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया, उसके बाद क्या काम बच गया? ही एंट्री आउटवर्ड्स ग्रांट करेगा और ये लोडिंग होगी। एक्सपोर्टर को अगर एलईओ मिल चुका है, अब इसके बाद की कहानी तो इसके कंट्रोल में नहीं है, एक्सपोर्टर के कंट्रोल में कहाँ है बताइए आप? कहिए, वैसे पक्का प्रूफ क्या है कि एक्सपोर्ट हो चुका? डिपार्चर मैनिफेस्ट जब फाइल हो जाएगा, जब डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल हो जाएगा और एलईओ के साथ मैच कर लेंगे, तो पक्का हो गया कि अब ये गुड्स शिप पे है। हाँ या ना? तो आपके पास डिपार्चर मैनिफेस्ट का कोई भी डिटेल होता है एक्सपोर्टर के पास? उसके पास तो ये डिटेल है, एलईओ का नंबर होगा, तो वो जब रिफंड के लिए अप्लाई करेगा या फिर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के लिए अप्लाई कर देगा, वो इसके अकॉर्डिंग करेगा ना, एलईओ के अकॉर्डिंग। जब वो एलईओ के अकॉर्डिंग अप्लाई करेगा, तो जो डिपार्टमेंट के पास डिपार्चर मैनिफेस्ट होगा, इसके साथ मैच कर लेगा कि आपका वाकई में गुड्स एक्सपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। सही बात। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट। पढ़े एक बार लो। सेक्शन 50, एंट्री ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन। द एक्सपोर्टर ऑफ एनी गुड्स शैल मेक एंट्री। अब अगर आप देखेंगे, कई वर्ड्स यूज किए गए हैं। एंट्री, अगर एंट्री लिखा हुआ है तो ये बिल ऑफ एंट्री भी हो सकता है और शिपिंग बिल भी हो सकता है। एंट्री इनवर्ड्स क्या है ये? परमिशन टू अनलोड द कार्गो इंपोर्ट के लिए। एंट्री आउटवर्ड्स क्या है ये? परमिशन टू लोड द कार्गो एक्सपोर्ट के लिए। सही बात। द एक्सपोर्टर ऑफ एनी गुड शैल मेक एंट्री देयर ऑफ बाय प्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम टू द प्रॉपर ऑफिसर इन द केस ऑफ गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड इन ए वेसल और एयरक्राफ्ट ए शिपिंग बिल एंड इन द केस ऑफ गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड बाय लैंड बिल ऑफ एक्सपोर्ट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये फॉर्म, ये सब पहले था, येलो फॉर्म, ब्लू फॉर्म, ग्रीन फॉर्म, और ये सब चक्कर खत्म अब इलेक्ट्रॉनिकली है। और प्रिंसिपल कमिश्नर कस्टम चाहे तो कोई दूसरा मैनर यानी कि मैनुअल भी अलाउ कर सकता है। एक्सपोर्टर प्रूफ ऑफ इट्स कंटेंट साइन करेगा
accuracy and completeness, authenticity and validity, or compliance with the restriction or prohibition, if any, relating to the goods under this act or under any other law for the time being in force. Sahi baat? Fair. Shipping bill electronic regulations. ये हम लोग कर चुके हैं वैसे कि कौन फाइल कर सकता है शिपिंग बिल, या तो एक्सपोर्टर फाइल करेगा या कस्टम ब्रोकर फाइल कर लेगा. कहाँ फाइल करेगा? आइस गेट में फाइल करेगा. नंबर जनरेट करेगा शिपिंग बिल का, फिर एग्जामिनेशन होगा, फिर वो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दे देगा. ठीक है? और फिर ये इतनी सारी कॉपी बनाएगा, ओरिजिनल कॉपी, एक्सपोर्टर्स कॉपी, एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी, एक्सपोर्टर्स में, तो ये चार कॉपी बनाएगा. लेकिन ये अब सब डिलीट हो चुका है, अब कोई चार कॉपी ये सब नहीं बनती है, सिर्फ डिजिटली साइंड LEO होगा. ठीक है? और ये देखिए, अगर आप कॉपी देखेंगे तो ओरिजिनल कस्टम कॉपी प्रॉपर ऑफिसर रख लेता है, एक्सपोर्टर्स कॉपी डुप्लीकेट आपको देता है, दिस इज द प्रूफ दैट द गुड्स हैव बीन एक्सपोर्टेड, एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी और एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉपी, ये सब चार कॉपी बनाता है. लेकिन अब एक ही PDF निकलता है, उसी में सारा काम होता है. अभी मैं सर्कुलर दिखाता हूँ आपको. ओरिजिनल ऑफ द शिपिंग बिल एंड द चेकलिस्ट शैल बी रिटेन्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर वगैरह वगैरह, ये सब छोड़ देते हैं. क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट एनी गुड्स एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट आर नॉट प्रोहिबिटेड गुड्स एंड एक्सपोर्टर हैज पेड द ड्यूटी इफ एनी एसेस देयर ऑन. वैसे एक्सपोर्ट में कोई ड्यूटी होती नहीं है, लेकिन बाई चांस है तो होगा. मास्क, मैं अभी कल पढ़ रहा था, मास्क जो आप एक्सपोर्ट, अब रिस्ट्रिक्टेड आइटम में डाल दिया गया मास्क एक्सपोर्टेशन, तो वो अगेन रिस्ट्रिक्टेड है, तो लाइसेंस लेके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं. एंड एक्सपोर्टर हैज पेड द ड्यूटी इफ एनी असेस्ड देयर ऑन एंड एनी चार्जेस पेबल अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम द प्रॉपर ऑफिसर मेक एन ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन. यानी कि वो परमिटिंग द क्लियरेंस एंड लोडिंग, यानी कि लोडिंग के लिए अलाउड है. Provided that such order may also be made electronically through customs automated system on the basis of a risk evaluation through appropriate selection criteria. Correct? फिर अगेन deferred payment का वो system export में अभी लेके नहीं आए हैं, तो वो जब लेके और if any person fails to pay the export duty, तो वो interest notify होगा, अभी notify नहीं हुआ है. तो ये दोनों जो import के लिए export के लिए भी आया नहीं है. सही बात? इसके बाद ये सर्कुलर है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, फाइनल लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर कॉपी ऑफ शिपिंग बिल, दिस इज द वन कॉपी. इसमें आप देखेंगे हैड डन अवे विद एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉपी ऑफ शिपिंग बिल, ये ऑप्शनल था, ये पहले ही खत्म हो चुका था 2016 में. अब 2020 से एकदम लेटेस्ट है, 22 जून 2020 से उन्होंने ये सब कुछ खत्म कर दिया. अब फाइनल LEO कॉपी ऑफ शिपिंग बिल, इट विल सर्व एज ऑल द थिंग, ये कहीं लिखा होगा, शिपिंग बिल इज बीन प्रिंटेड नेमली कस्टम कॉपी एक्सपोर्टर इज असर्टेन. कहीं लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिएगा ना. इट विल सर्व, ये आपका एक्सचेंज कॉपी भी होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी होगा, सबके लिए होगा ये. ये देख कर फिर ये ई गेट पास कॉपी ऑफ शिपिंग बिल, ये भी जनरेट होगा, वही QR कोड, ये सब हो गया. दिस विल एंश्योर दैट ओनली दोज कंटेनर्स और पैकेज मूव आउट विच आर कवर्ड अंडर द गेट पास डॉक्यूमेंट. यानी कि ये जहां पर स्टफिंग हुई है वहां से वो मूव आउट हो सकता है लोडिंग एरिया में. इन केस ऑफ पैकेज एंड अदर बल्क कार्गोज द ई गेट पास ऑफ द कॉपी ऑफ शिपिंग बिल विल बी जनरेटेड ड्यूरिंग LEO. In case of containerized cargo, the e-gate pass copy of shipping bill will be generated after the receipt of container stuffing information from the shipping bill. तो ये जब self sealing होगा तो उसी वक्त generate हो जाएगा, और अगर self sealing नहीं है, stuffing है, तो जब उसको पता लग जाएगा stuffing हो चुका है, तब दे देगा वो. Correct है? ये self sealing के बारे में मैं सब कुछ discuss कर चुका हूँ, मैं पढ़ूंगा नहीं आपके साथ, नहीं तो मैं और ज़्यादा bore करूँगा आपको. ये correct है? ये मैंने आपको बता ही दिया कि वो जब ई सीलिंग करेगा तो ये सारा कुछ शिपिंग बिल नंबर IC वगैरह वगैरह सब उसको डालना पड़ेगा. करेक्ट है?
रेहाना कुछ बोल दीजिए। उसके बाद ये सेक्शन 51A नया आया है, ये जिस तरह से जीएसटी में है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसी तरह से वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का कोई सिस्टम लेके आएंगे कि आप यहाँ पर कैश अपलोड कर दीजिए, उसके बाद इस कैश के थ्रू आप पेमेंट कर दीजिए। तो ये अभी नोटिफाई नहीं हुआ, जब होगा तब पता लगेगा कि ये कैसे काम करता है। तो ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी फीस सब इसके थ्रू आप पे कर सकते हैं, अगर बच जाता तो रिफंड क्लेम कर लीजिएगा। सही बात। इसके बाद है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। मैं आपको थोड़ा सा अगर आइडिया दे दूं एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम का, हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बाद में करेंगे आपके साथ, लेकिन एकदम छोटा सा आइडिया देके खत्म कर दें। नॉट येट नोटिफाइड, दोनों ही नोटिफाई नहीं हुए, 51A एंड 51B। तो एक MEIS स्कीम है, SCIS स्कीम है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम या इंसेंटिव स्कीम या सर्विस एक्सपोर्ट सम स्कीम है, जहां पर अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको वो देते हैं ड्यूटी स्क्रिप्ट्स। ऑब्वियसली ये प्रिंटेड होता है। सही बात। ये ड्यूटी स्क्रिप्ट्स आप किस काम में ले सकते हैं? बेसिक कस्टम ड्यूटी का पेमेंट के लिए ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने 1,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया तो 5% ऑफ 1,000 करोड़ कितना होता है ये देख लीजिए, 50 करोड़। अब जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आप 50 करोड़ कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम। सही बात। जैसे पेटीएम में आपको कैश बैक मिलता है, उसी तरह से कैश बैक है गवर्नमेंट का। ना गवर्नमेंट ये 50 करोड़ क्यों देती है, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताइए कि जब आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ए गुड्स ए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक्स वाई जेड के इनपुट है आपका, करेक्ट है? तो ये एक्स वाई जेड के इनपुट है, इट इज ट्रेडेबल इन मार्केट। मैं उस पर आ रहा हूं एक बार। एक्स वाई जेड के इनपुट है, इसमें जितना भी आपको जीएसटी लगा होगा उसका आपको ITC मिल जाता होगा। और अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो इस ITC का रिफंड मिल जाता है, हाँ या ना? लेकिन इस आपने बहुत सारे ऐसे गुड्स खरीदे होंगे, मान लीजिए फूड खरीदा होगा, हेल्थ इंश्योरेंस इंप्लॉइज का लिया होगा, इन सब का आपको ITC मिला होगा, हाँ या ना? इन सब का तो ITC ब्लॉक है 17 सबसेक्शन 5 में, करेक्ट है? तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये सब ITC जिसका आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाए, इसको हम एक्सपोर्ट इंसेंटिव के बेसिस पे आपको वापस करेंगे। यानी कि जो आप रिफंड क्लेम कर पाए अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए हैं वो आप हम एक्सपोर्ट इंसेंटिव MEIS और SCIS स्कीम के थ्रू हम वापस करेंगे। सही बात। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में GST तो लगता नहीं है, लेकिन कोई दूसरा टैक्स लग जाता है, लेकिन टैक्स तो लगा ना, एंड टैक्स शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड, तो उसको वो वापस कर रहे हैं बेसिकली। और मैंने बताया था प्रोडक्ट का कोड अगर आपको पता है तो उसमें पता लग जाएगा 1% से लेकर 5% गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, और ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता, वो गवर्नमेंट एनालाइज करती है कि किस प्रोडक्ट में कितना नॉन ITC सर्विसेस या गुड्स यूज हुए हैं। सही बात। गवर्नमेंट के WTO में केस हार गई, कहा कि ये सब्सिडी है। तो गवर्नमेंट ने स्कीम को रिप्लेस कर दिया RO, क्या नाम है नया है याद नहीं हुआ, और इस स्कीम का नाम है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो जितने भी तरह के ड्यूटीज और टैक्सेस लगे होंगे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, जिसका ITC मिल चुका उसके बारे में बात नहीं कर रहा, जिसका नहीं मिला उसके लिए एक स्कीम लेके आए, इट विल रिप्लेस MEIS, और उसमें हर एक प्रोडक्ट में वो फिक्स करेंगे। अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं है, लेकिन ये 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल हो गया,
गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर डेटा फ्रॉम द एक्सपोर्टर, ऑल एक्सपोर्टर दे आर आस्किंग द डेटा, और वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वो फिक्स करेंगे, करेक्ट है? और जब फिक्स हो जाएगा तो दे विल नॉट गिव यू प्रिंटेड ड्यूटी स्क्रिप्ट्स, दे विल ट्रांसफर दैट स्क्रिप्ट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर। सही बात है? कहां ट्रांसफर करेंगे? इन द इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर। और जिस तरह से ये ड्यूटी स्क्रिप्ट आप दे सकते हैं, आपको इंपोर्ट करना ही नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टी तो इंपोर्ट करती है, आप बेच दीजिए सेल, और मार्केट में 98% में मिल जाता है पैसा। मतलब 50 करोड़ है, आप इसको बेचते हैं तो 50 करोड़ का 98% ये आपको मिल जाएगा जो जिसने एक्सपोर्ट किया है, और इसको 2% का फायदा हो जाएगा ड्यूटी में। 2% बहुत होता है 50 करोड़ में। सही बात है या नहीं? और जब ये इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर में भी आप जैसे आईटीसी एक जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन ट्रांसफर हो सकता है, वैसे ड्यूटी क्रेडिट लेजर एक जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन ट्रांसफर हो जाएगा। ड्यूटी स्क्रिप्ट हमने पढ़ा था, ये टैक्सेबल है और इस पे ये एग्जेम्प्ट है, मुझे याद नहीं आ रहा जिनेश जी, लेकिन हमने एक बैंक वाला स्क्रिप्ट पढ़ा था जो टैक्सेबल था रिवर्स चार्ज में। सही बात है? ये ड्यूटी स्क्रिप्ट्स मुझे बिल्कुल, मैं एकदम मिस कर गया, ये एग्जेम्प्ट टर्नओवर है या टैक्सेबल टर्नओवर है? बैंक वाला तो टैक्सेबल था, ये वाला मुझे किताब निकाल कर देखना होगा। किताब अगर मेरे पास है, अभी है नहीं मेरे पास पीछे, नहीं तो मैं देख लेता। तो मैंने आपको बताया भी नहीं है, दिस इज द न्यू बुक। ये जो नाम था पहले, इट इज सिंपल जीएसटी था, हमने इसका नाम चेंज कर गाइड टू जीएसटी लॉ विद एमसीक्यू कर दिया, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो इसमें मैं चेक कर लेता हूँ, ड्यूटी स्क्रिप्ट्स, ड्यूटी स्क्रिप्ट इज एग्जेम्प्ट, दिस इज एग्जेम्प्ट इन जीएसटी, और ये सिंस इट इज गुड्स, ड्यूटी स्क्रिप्ट्स आर ट्रीटेड एज गुड्स, तो इसीलिए एचएसएन में एचएसएन नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्शन है, तो रेट नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। इफ एग्जेम्प्ट देन रूल 42 करेक्ट, आईटीसी रिवर्सल भी होगा, आज कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। गुड्स इन ट्रांजिट, देखिए ट्रांजिट गुड्स और ट्रांसशिपमेंट गुड्स के बारे में हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, सिर्फ एक बार पढ़ना है आपके साथ। सही बात है? तो चैप्टर नॉट टू अप्लाई टू बैगेज गुड्स इंपोर्टेड बाय पोस्ट एंड स्टोर्स, तो इसके लिए अलग से रूल्स है, हम लोग कोशिश करेंगे इसके बाद हम लोग यही वाला पिक कर लें। ट्रांजिट ऑफ सर्टेन गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 वेयर एनी गुड्स इंपोर्टेड इन अ कन्वेयंस एंड मेंशन इन द अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट as the case may be, for transit in the same conveyance to any place outside India or to any custom station, the proper officer may allow the goods and the conveyance to transit without the payment of duty subject to such conditions as may be prescribed. तो कल कोई पूछ रहा था कि अगर goods India to Bangladesh होते हुए जाए, India Bangladesh, तो क्या Bangladesh duty लेगा? तो नहीं लेगा, India नहीं ले रहा तो Bangladesh क्यों लेगा ट्रांजिट गुड्स में? 54 ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट में होता क्या, गुड्स उतरता है, उतरने के बाद कहीं और जाता है, तो गुड्स मुंबई पोर्ट में उतर के श्रीलंका के पोर्ट में जाएगा तो क्या ड्यूटी लेगा, हाँ या ना? नहीं लेगा। इंपोर्ट तो हुआ है ना, लेकिन उसके बावजूद सेक्शन 54 कहता है विल नॉट levy the duty where any goods imported into a customs station are intended for transshipment as per arrival manifest, a bill of transshipment shall be presented to the proper officer in such form and manner as may be prescribed. तो हमने बताया था custodian या courier bill of transshipment present करेगा,
और इसके लिए अगेन सी कार्गो मैनिफेस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट रेगुलेशन 2018 है, करेक्ट है? प्रोवाइडेड दैट वेट द गुड्स आर बीइंग ट्रांसशिप्ड अंडर एन इंटरनेशनल ट्रीटी और बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ ए फॉरेन कंट्री, ए डिक्लेरेशन फॉर ट्रांसशिपमेंट इंस्टेड ऑफ बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। तो क्या प्रेजेंट होगा? डिक्लेरेशन फॉर ट्रांसशिपमेंट प्रेजेंट होगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 वेयर एनी गुड्स इंपोर्टेड इनटू ए कस्टम स्टेशन आर मेंशनड इन द अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट एज अ केस में बी एज फॉर ट्रांसशिपमेंट टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया एंड सच गुड्स में बी अलाउड टू बी सो ट्रांसमिट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो मुंबई पोर्ट पर उतर के श्रीलंका पोर्ट जा रहा है तो पॉसिबल है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। अगेन अब मुझे एक बात बताइए, आप यूएसए से कोई गुड्स आया मुंबई पोर्ट उतर गया, अब मुंबई पोर्ट से इसको श्रीलंका के किसी पोर्ट में जाना है और ट्रांसशिप्ट है, तो सेम शिप में जाएगा या कोई दूसरे शिप में जाएगा? ट्रांसशिपमेंट इज चेंज ऑफ कन्वेंस, डिफरेंट शिप में जाएगा। तो अब डिफरेंट शिप में जाएगा तो जो ट्रांसशिप्ट गुड्स है उसका मान लीजिए एक अलग एरिया में उन्होंने डाल दिया होगा, जो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर होना होगा उसके लिए अलग एरिया बना दिया गया होगा, सही बात है या नहीं? और इसी एरिया में श्रीलंका जाने वाला या कोई और जाने वाला या किसी और कंट्री में जाने वाला उसका अलग अलग उन्होंने एरिया बना दिया होगा। अब ये सब जब ट्रांसशिप गुड्स जिसको श्रीलंका जाना है ये शिप पे लोड कब होगा? जब सी कैरियर फाइल करेगा बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट प्रॉपर ऑफिसर को, जब बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट फाइल करेगा तो ये डिपार्चर मैनिफेस्ट भी फाइल करेगा, तभी तो डिपार्चर परमिशन देगा, हाँ या ना? अब आप सोच के देखिए, इस शिप में जितने भी ट्रांसशिप गुड्स हैं इसके बारे में पता होगा ये शिप वाले को। अब ये जब डिपार्चर परमिशन मिल गया तो ये अब यहां चला जाएगा, यही डिपार्चर मैनिफेस्ट यहां का अराइवल मैनिफेस्ट बन जाएगा, सही बात? चलिए अच्छा, ये जो बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट जब फाइल कर रहा है तो क्या उसको ड्यूटी देनी पड़ेगी? नो ड्यूटी। वेर एनी गुड्स इंपोर्टेड इनटू ए कस्टम स्टेशन आर मेंशन्ड इन द अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट और द इंपोर्ट रिपोर्ट एज द केस में बी एज पर ट्रांसशिपमेंट। ये तो इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हो गया, ये डोमेस्टिक है। टू एनी मेजर पोर्ट एज डिफाइंड इन द इंडियन पोर्ट्स और द कस्टम एयरपोर्ट एट मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली एंड चेन्नई और इन एनी अदर कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट विच द बोर्ड मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहार। यानी कि मुंबई पोर्ट से चेन्नई पोर्ट जा रहा है, मुंबई पोर्ट से गोवा पोर्ट जा रहा है, या जिसको हम मरगांव पोर्ट है इफ नॉट रॉन्ग, तो दे कैन ऑल्सो मूव विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। या कोई माइनर पोर्ट जा रहा है तो दे कैन मूव विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, लेकिन दे हैव टू कंप्लाई द कंडीशंस। कंडीशंस क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट, फिर डिपार्चर मैनिफेस्ट, डिपार्चर परमिशन, ये सब होगा, करेक्ट है? अब मुझे एक बात बताइए, यह तो श्रीलंका था, मान लीजिए गोवा जा रहा होता था तो यहां डिपार्चर मैनिफेस्ट वो यहां अराइवल मैनिफेस्ट फाइल करता गोवा में, हाँ या ना? तब मैं रेगुलेशन पढ़ता हूं तो ये क्या लिखता है, अनऑथराइज्ड कैरियर शैल फाइल ए डिपार्चर मैनिफेस्ट बिफोर द डिपार्चर ऑफ ए ट्रेन और ए ट्रक एंड अराइवल मैनिफेस्ट अपॉन अराइवल ऑफ द ट्रेन और ट्रक एज द केस मे बी, इन्फॉर्म दिस फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसशिपमेंट ऑफ इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट गुड्स बिटवीन ए पोर्ट
आईसीडी एंड इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फॉरेन पोस्ट ऑफिस एंड वाइस वर्सा। यानी कि जितने भी कस्टम्स के कंट्रोल में जो एरिया है उसमें आपस में अगर गुड्स का मूवमेंट होगा तो ये बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट की जरूरत पड़ेगी। मुझे याद नहीं है ईवे बिल की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ईवे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब एक्सपोर्टर अपने प्रीमाइसेस से शिपिंग बिल नंबर फाइल करके वो सेल्फ सीलिंग में गुड्स आर मूविंग टू ए कस्टम स्टेशन, तब ईवे बिल की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तब पड़ेगी, तब पड़ेगी। तो ये याद रखिएगा इन सबको, करेक्ट है। और 8A फाइल करेगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बिटवीन अ पोर्ट एंड लैंड कस्टम स्टेशन एंड वाइस वर्सा। तो कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट से लैंड कस्टम स्टेशन जा रहा है, यानी कि अटारी बॉर्डर जा रहा है या बांग्लादेश के किसी बॉर्डर में जा रहा है कलकत्ता से या कहीं और से, तब 8A, वरना 8 है। सही बात। फिर कंडीशंस गवर्निंग ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट थ्रू डिजाइनेटेड फॉरेन रूट। ये तो मैं कह रहा हूं आप ही पढ़ लीजिए, सेम है, सेम है कि जो भी ट्रांसशिप करता है ऑथराइज कैरियर उसको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है विथ और विदाउट ए बैंक गारंटी। लेकिन ये ऑथराइज कैरियर एक मिनट, अच्छा वो नहीं है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स इज डायरेक्टली बिटवीन टू सी पोर्ट्स नो बॉन्ड एंड बैंक गारंटी शैल बी फर्निश्ड। लेकिन लैंड रूट के थ्रू है या रेल रूट के थ्रू है तो बॉन्ड या बैंक गारंटी की जरूरत पड़ेगी। कितने रुपए की बॉन्ड है, बैंक गारंटी कुछ लिखा हुआ है? क्यों मांगते हैं? टू एंश्योर दैट द इंपोर्टेड कार्गो ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड आर नॉट पिल्फर्ड एन रूट टू अनदर पोर्ट, एयरपोर्ट, आईसीडी, सीएफएस एंड रीच सेफली, ए बॉन्ड विद बैंक गारंटी इज एग्जीक्यूटेड बाय द कैरियर एंगेज फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स। और लैंड रूट के थ्रू जा रहा है तो सील करेगा कंटेनर को। सही बात। मूवमेंट और ट्रांसशिपमेंट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ऑन सीलिंग ओनली, वन टाइम बॉटल सील लगा के मूव करेगा। मैं पढ़ नहीं रहा हूं। फिर गेट पास वगैरह वगैरह है। लाइबिलिटी ऑफ ड्यूटी ऑफ गुड्स ट्रांसिटेड अंडर सेक्शन 53 और ट्रांसशिप अंडर सेक्शन 54, where any goods are allowed to be transited under section 53 or transshipped under section 54 to any customs chain, they shall on their arrival at session be liable to duty and shall be entered in like manner as goods are entered on the first importation thereof and the provisions of this act and the rules this. ye hum log kar chuke hain. mujhe agar delhi ke tughlakabad mein chahiye aur mumbai port pe utra hai goods, तो मुंबई में आया, मुंबई से दिल्ली आया, नो ड्यूटी, मैं बिल ऑफ एंट्री कहां फाइल करूंगा? यहां फाइल करूंगा, देन आई विल बिकम लायबल फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी। सही बात। ये कोई खास नहीं है, पढ़ लीजिएगा। इंपोर्ट पॉलिसी हम लोग कर चुके, प्रोहिबिटेड गुड्स, रेस्ट्रिक्टेड, एसटीई, इसका हमने लिखा क्यों नहीं, स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस के थ्रू और बेसिकली कैनालाइज एजेंसी है उसके थ्रू और फ्री। ये देखिए, ये आपको खुद पढ़ना, जनरल नोट्स रिगार्डिंग इंपोर्ट पॉलिसी। ये हमने कुछ कुछ लिखा है लेकिन इसमें बहुत डिटेल में है। आप डीजीएफटी की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको मिलेगा। मैंडेटरी इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये आपको पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसीज के जो बारे में बताया था, जहां पर ये लाइसेंस की जरूरत होती है वो लाइसेंस चाहिए तभी इम्पोर्ट कर पाएंगे आप। फिर एयर एमिशंस एंड नॉइज सेंट्रल इंपोर्ट पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी गुड्स। तो ऐसे करके सभी गुड्स के लिए उन्होंने कुछ पॉलिसी बनाई है, उनके लिए कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, वो सब आपको, वो सर्टिफिकेट आपको इंपोर्ट कर रहे हैं तो अपलोड करना पड़ेगा ई संचित में। उसी तरह से एक्सपोर्ट पॉलिसी है, ये सारा लिखा हुआ है, बस कंप्लीट है। तो वी कंप्लीटेड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग कल एक बार और मिलेंगे, अगेन
मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा और विल कंप्लीटिंग एमसीक्यू एंड इसको रिवाइज करने के लिए मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, अभी मैंने बनाया नहीं है, तो वो उसको हम लोग रिवाइज करके फिर एमसीक्यू कर लेंगे। तो दिस इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर विल कंप्लीट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।